हेलो गाइस, ये देखिए यस टीवी पर शुरू हो चुका है एक बिल्कुल नया नवीला शो जिसका नाम है फिल्मी सफर। भाई वैसे तो ये नया प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम भारतीय फिल्मों के इतिहास की बात करेंगे और बिल्कुल मैं आपको ले चलूंगा आज से 100 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले। बहन भाइयों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हमारे भारतीय सिनेमा का इतिहास। बहुत कुछ हुआ इन 100-125 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा कि भाई किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कैसे किया, क्यों किया, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा इस प्रोग्राम में। हालांकि जितनी बातें बताऊंगा उसमें भी बहुत सारे एपिसोड निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय फिल्मों में किस तरह से उन्नति हुई, हमारे देश में सिनेमा की शुरुआत कैसी हुई। लेकिन इससे पहले कि हम अपने देश के सिनेमा की शुरुआत की बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे विश्व में सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई। मैंने भाइयों देखा जाए तो बहुत एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, कोई इतिहासकार नहीं कह सकता कि भाई सबसे पहले मोशन पिक्चर किसने बनाई और किसने दिखाई। लेकिन जो इतिहास में जो चीजें वर्णित है उसके हिसाब से ल्यूमिनर ब्रदर्स, जी हाँ मेरे भाइयों, ल्यूमिनर ब्रदर्स जो थे वो पहले ऐसे प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे जिन्होंने मोशन पिक्चर बनाई और वो लोगों के सामने लेकर आई। ये शायद 1895 की बात है। तो मेरे भाइयों इस तरह से 1895 में ल्यूमिनर ब्रदर्स ने फिल्में बनाई और लोगों को दिखाई। हालांकि ये ऐसी फिल्में नहीं थी कि बिल्कुल जैसे कि मारधाड़ या फीचर फिल्म है, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाकर दिखाया कि भाई फिल्म भी एक चीज होती है, चलती फिरती मूवी भी एक चीज होती है। और 1897 में भारत में भी इनका प्रदर्शन हुआ, तब ये सोचा जाने लगा ब्रिटिश इंडिया में, मतलब तब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था, तो सोचा ही जाने लगा कि हिंदुस्तान में भी फिल्में बनाई जाए। लेकिन फिल्में बनाना कोई इतना आसान काम नहीं था कि लोजी कैमरा चक्का और लोजी फिल्म बनाना शुरू। उस वक्त तो बहुत 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 मुश्किल और बहुत मेहनत और बहुत महंगी चीजें थी ये। लेकिन भारत में सबसे पहले ये बीड़ा उठाया दादा साहब फाल्के ने। जी हाँ, दादा साहब फाल्के एक मराठी इंसान जिन्होंने बहुत समय से ये शोध कार्य किया कि अगर फिल्म बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत का एपिक उठाया और वो एपिक था राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ मेरे भाइयों, राजा हरिश्चंद्र ये एक ऐसी कहानी थी जिसका मंचन हमेशा स्टेज पर किया जाता था और नुक्कड़ नाटकों में किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसी एपिक को उठा लिया और उसकी फिल्म बना डाली राजा हरिश्चंद्र। ये एक साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी, यानी कि बोलती हुई फिल्म नहीं थी। तो मैंने भाई जब दादा साहब फाल्के ने ये फिल्म बनाई तो ये फिल्म थी मराठी में। लेकिन साहब क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि फिल्म मराठी में थी या हिंदी में थी या तमिल में थी या तेलुगु में थी या मलयालम में थी या बंगाली में थी या गुजराती में थी या फिर ये कोंकणी में थी। भाई जब साइलेंट फिल्म है तो वो किसी भी भाषा की क्यों ना हो वो साइलेंट फिल्म ही थी। लेकिन हाँ, राजा हरिश्चंद्र एक ऐसी फिल्म थी जो कि हिंदुस्तान की पहली फिल्म के रूप में सामने आई और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। भाई इसके बाद तो दादा साहब फाल्के की तरह बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस मैदान में उतर आए और वो पंजाब से लेकर साउथ तक ऐसे डायरेक्टर्स उतर आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से फिल्म निर्माण का कार्य किया और इस तरह से भारत में फिल्म निर्माण शुरू हो गया और धड़ाधड़ फिल्में बनने लगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ भाई, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई भारतीय फिल्मों के इतिहास में क्या हुआ। भाई पहले जब ये फिल्में बननी शुरू हुई तो साइलेंट फिल्में हुआ करती थी। जब ये फिल्में दिखाई जाती थी पर्दे पर तो टॉकी तो थी नहीं, तो कलाकार क्या करते थे कि तबला, हारमोनियम और सितार ये सब लेके पर्दे के नीचे बैठ जाते थे और जब भी कोई दृश्य घोड़े दौड़ने का दृश्य होता था तो तबला बनाकर उसको चलाया जाता था, तबला बजाया जाता था कि देखो घोड़े दौड़ रहे हैं। जब कोई एक्टर डायलॉग बोल रहा होता था तो आवाज़ तो थी नहीं, तो जो नीचे बैठे होते थे जो कलाकार वो अपने मुंह से डायलॉग बोलते थे बड़े जोर जोर से ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ भाई कुछ आवाज़ भी आ रही है। तो हर चीज़ के साथ साथ संगीत चला करता था, लेकिन बड़ा मेहनत का काम था क्योंकि फिल्में बड़ी छोटी छोटी सी होती थी तो हर शो में
कलाकारों को वही सारा काम करना है, वही काम करना है और उसी तरह से डायलॉग बोलने, उसी तरह से तबला बजाना है, घोड़े दौड़ने के सीन दिखाने हैं, तो बड़ा मेहनत का काम था लेकिन लोग करते थे। तो इस तरह से बोलती जो फिल्में थी वो तो थी नहीं, लेकिन मूक फिल्मों में इस तरह के संगीत होते थे। लेकिन इनका निर्माण बड़ा कठिन था। हालांकि दादा साहब फाल्के ने अपनी इस फिल्म के बाद में फिर और भी फिल्में बनाई, और उस वक्त जो फिल्मों का जो स्रोत हुआ करता था वो पौराणिक कथाएं हुआ करती थी। पौराणिक कथाएं मतलब कि जो देवी देवताओं की कथाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो पौराणिक कथाओं की फिल्में बनाया करते थे, क्योंकि यही कहानी उन्हें मिला करती थी। हीरो हीरोइन वाला सीन कुछ ऐसा था नहीं कि भाई पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाए, बस पौराणिक कथाएं ही हुआ करती थी। और एक बात है, जो महिलाओं के जो रोल थे वो भी पुरुष किया करते थे, क्योंकि भाई उस जमाने में महिलाओं का तो फिल्मों में आना ऐसा था कि भाई बिल्कुल ही वर्जित था, और कोई हिम्मत नहीं करता थी कोई महिला कि वो फिल्मों में आए। तो जो मेल के जो रोल थे वो भी मतलब फीमेल के जो रोल थे वो भी मेल किया करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मेहनत का काम था। कैमरे भी वैसे नहीं थे, टेक्निक वो नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें लोगों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की। पारसी लोग भी उतर आए फिल्मी दुनिया में और उन्होंने भी अपने तरीके से फिल्में बनाने की कोशिश की। इसके अलावा क्या रहा ये हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। भाई कहीं मत जाइएगा, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, यानी कि फिल्मी सफर, जिसमें हम आपको भारत में फिल्मों के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। आज के सफर में तो भाई इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड्स में होंगे कुछ और इस तरह की मस्ती भरी बातें इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है फिल्मी सफर, जो आप देखेंगे यस टीवी पर। फिलहाल थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।